गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर में आपके सामने बिल्कुल नई ताजा तरीन प्लेलिस्ट लेके, और जिसका नाम है पाइथन। जी हाँ, पाइथन प्रोग्रामिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा और एडवांस तक मैं आपको लेके जाऊंगा। यानी कोर पाइथन भी इसमें कवर होगी और एडवांस पाइथन भी इसमें कवर होगी, तो ये खुशखबरी भी है आप सबके लिए। और दूसरी मजेदार बात यह कि दोस्तों, यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारी प्लेलिस्ट है पाइथन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि पाइथन के ऊपर कंटेंट अवेलेबल नहीं है। एक तो हमारी अपनी जबान में हिंदी और उर्दू में कंटेंट बहुत कम है, दूसरा जिन्होंने कंटेंट बनाया है वो ऐसा क्लेम करते हैं कि मैं एक घंटे में आपको पाइथन सिखा दूंगा, या पांच घंटे में, या दस घंटे में। कंटेंट वहां पे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि मेरी बाकी प्लेलिस्ट है, हर एक कोर्स को पढ़ने का एक सिस्टम होता है, कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ बुनियाद होती है, और बुनियादी बातों के बाद आप आगे जाते हैं। तो सिस्टमैटिक वे में, जैसे एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में, या 40-50 घंटे, 60 घंटे का कंटेंट पाइथन का होता है, जिसमें बुनियादी बातें आपको पढ़नी है ए टू जेड, वो सारी मैं इसके अंदर कवर करूंगा। कहीं भी कोई टॉपिक स्किप नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि ये शॉर्ट लेक्चर नहीं होंगे, कि जैसे कि बाकी यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेंगे जहां छोटे छोटे प्रोग्राम्स या चीजें करके। यहां कोशिश करूंगा कि पाइथन की वो बारीक बारीक बातें भी हम कवर करें, जिससे कि आप अगर कल को कोई इंटरव्यू देने जाए किसी MNC के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, जहां आपको स्टार्टिंग में, स्क्रीनिंग में पाइथन की बुनियादी सवाल मिलते हैं, मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो MNCs में आने वाले सारे पाइथन प्रोग्राम्स आप इजीली उनमें जो एरर फाइंड आउट करने हैं या उनको जो बना के देना है, वो 110% कर पाएंगे, जो कि बाकी ट्यूटोरियल से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वहां जो कराया जाता है वो एक बुनियादी लेवल पर ठीक है, लेकिन वहां पर जो गहराइयों वाली बात है, जो ऐसी एक आप कह लें कि एक्सेप्शन होते हैं कि भाई जो हमसे डिस्कस नहीं किए जाते, कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन के बारे में जानना। तो ये प्लेलिस्ट बाकी प्लेलिस्ट से बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो ए टू जेड आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात ये है, मैं पहले वो बुनियादी बातें कर लेता हूं कि कौन बंदा इसको कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। देखें, इसे करने के लिए अगर मैं कहूं तो 10th पास कोई भी पर्सन अगर है, जिसने 10वीं की है, यानी कि हाई स्कूल अगर किया हुआ है, उसको मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसे पाइथन का मास्टर बना दूंगा। आपको इसको सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप की जरूरत होगी, और वहां पे अगर इंटरनेट की और ऐसी कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप सिंपल लैपटॉप पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लैपटॉप कोई भी हो सकता है, आपके पास ड्यूअल कोर है, आपके पास i3 है, i5 है, कोई भी लैपटॉप, कोई भी डेस्कटॉप चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विंडोज है, विंडोज पे कर सकते हो, लिनक्स है, लिनक्स पे कर सकते हो। आप कहीं भी इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, जो कि फ्रीली अवेलेबल है, आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ आपको एक लैपटॉप की जरूरत होगी और इंटरनेट की जरूरत होगी मेरी वीडियोस को देखकर उस पे इंप्लीमेंट करने के लिए। साथ साथ अगर आज आप ये प्लेलिस्ट शुरू कर ही रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि एक रजिस्टर खरीद लीजिए, एक पेन ले लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ लिखवाने वाला हूं और वही सारी बातें होंगी जो आपको बाद में रिवीजन में हेल्प करेंगी और आपको पाइथन का मास्टर बनाएंगे। अगर आपको लगता है भूपिंदर सर के सिर्फ वीडियो देख लिए उससे काम चल जाएगा, तो यार ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक वे में इसको हम स्टार्ट करेंगे, एंड आई विल ट्राई कि मैं इसको प्रॉपरली आगे तक लेकर जाऊं, ठीक है? तो ये मेरी कोशिश रहेगी इस प्लेलिस्ट के अंदर। कोई भी कर सकता है, हिंदी और उर्दू में ही हम अपनी जो जबान में आज तक लेक्चर्स लेकर आते रहे हैं, ऐसे ही पूरी प्लेलिस्ट आपको बहुत इजी वे में समझाई जाएगी। जो बोर्ड पे कॉन्सेप्ट समझाने हैं वो मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, जो मुझे स्क्रीन पे लैप करके दिखानी है वो आपको लैपटॉप से मैं दिखा के बताऊंगा कि भाई ये यहाँ पे कैसे क्या करना है। तो बहुत दिलचस्प लैब ये होने वाली है, बहुत दिलचस्प प्लेलिस्ट ये होने वाली है। आई होप पाइथन, क्योंकि प्रोग्रामिंग से हर कोई डरता है, जो नॉन टेक्निकल है, जो BA है, BCOM है, या जिसने बहुत साल हो गए पढ़ाई छोड़ी हुई है, 40 साल की उम्र हो गई, 45 साल की उम्र हो गई, मैं गारंटी देता हूं अगर ये प्लेलिस्ट आपने पूरी देख ली, तो न सिर्फ आप पाइथन के मास्टर बन जाएंगे, बल्कि आप पाइथन की कोचिंग दे सकते हैं, और एक अच्छे लेवल की कोचिंग दे सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, जो आपके आसपास, आपके सिटी शहर में कोई नहीं देता होगा। वो बुनियादी बातें, वो जरूरी बातें, वो टोटल कंटेंट ए टू जेड मैं इस प्लेलिस्ट में कवर करने वाला हूं। तो आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे मेरी तरह इस प्लेलिस्ट को लेकर। तो यहां कुछ बुनियादी बातें मैंने लिखी हैं। देखिए, पाइथन के बारे में एक बात बताऊं, जैसे कि मैं हमेशा कोई भी टॉपिक शुरू करता हूं तो मैं उसकी गहराई में जाके आपको यह बताता हूं, इसीलिए पहला लेक्चर मैंने हिस्ट्री ऑफ पाइथन रखा है। यह कोई रेलेवेंट नहीं है, देखा जाए तो प्रोग्रामिंग का हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो हमें जर्नी समझ आनी चाहिए कि आखिर पाइथन कैसे इवॉल्व हुआ। देखिए, सबसे
सबसे पहले तो इसका नाम बड़ा दिलचस्प है, पाइथन। इसका मतलब होता है अजगर, जो सांप जैसा होता है, एनाकोंडा जैसा, राइट। तो पाइथन दरअसल में ये जो नाम है, इसको जो डेवलप किया इस प्रोग्रामिंग को, उसे डेवलप करने वाले डेवलपर का नाम है ग्यूडो वैन रॉसम, राइट। आपको अगर स्पेलिंग ना समझ आ रही हो तो मैंने यहां पे स्पेलिंग लिखी हुई है, यू कैन सी ग्यूडो वैन रॉसम। ये नीदरलैंड के हैं, यानी डच है आप कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की थी। और अभी भी, ऐसा ना सोचें कि ये बहुत पुरानी बात है, बंदा होगा कि नहीं होगा, ये अभी भी माइक्रोसॉफ्ट के माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, ड्रॉपबॉक्स पे ये बेसिकली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का ड्रॉपबॉक्स है उसके लिए ये काम करते हैं। इससे पहले ये गूगल में भी रहे हैं, पर थोड़ा सा इनके साथ भी मसला है, इनके एटीट्यूड का, तो इस वजह से जॉब भी कई बार इनकी स्विच हो जाती है। लेकिन He is a really intelligent person. इन्होंने 80 के दशक में ही, जब ABC प्रोग्रामिंग उस समय में हुआ करती थी, तो उस प्रोग्रामिंग के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स थी, उनका भी हम जिक्र करेंगे, जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो लोग प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, तो कुछ इश्यूज थे उन चीज़ों में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ा ब्रिलियंटली उस ABC प्रोग्रामिंग में जो जो चीज़ें थी, जो जो कमियां थी, उस कमियों को ठीक करके एक नई प्रोग्रामिंग डिजाइन करी, जिसको इन्होंने नाम दिया पाइथन। तो आप ये कह सकते हैं कि एबीसी प्रोग्रामिंग का ही इन्होंने पूरा मॉडल लिया, जो पूरी आप स्क्रिप्ट कह सकते हैं, सिंटेक्स कह सकते हैं, वो एबीसी प्रोग्रामिंग का ही उठाया। बट वहां पे इन्होंने काफी सारे मॉडिफिकेशन करके अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की, जिसका नाम इन्होंने पाइथन रखा। अब ये बात आती है कि ये नाम पाइथन क्यों रखा, तो पाइथन इसलिए रखा कि बीबीसी के ऊपर एक बहुत फेमस, पूरी दुनिया में उस जमाने में जहां भी वो देखा जाता था, बहुत फेमस था, एक कॉमेडी प्रोग्राम आया करता था, मोंटीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ये बहुत फेमस प्रोग्राम था जो बीबीसी के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था 1969 से लेकर 1974 समथिंग तक, आप चेक कर सकते हैं, यस 1974 तक, तो ये ब्रॉडकास्ट हो रहा था। तो इनको भी ये बड़ा पसंद था, जैसे कि हमारे साथ भी होता है, जैसे हमारे बचपन में हमें शक्तिमान बड़ा पसंद था, तो हम लोग इवन जब कोई टॉफी भी लाते थे, कोई कैप भी लाते थे, तो वो लाते थे जिस पर शक्तिमान बना होता था। तो इनको वो बहुत पसंद था, इस वजह से इन्होंने पाइथन रखा। इसके साथ साथ ही इज वेरी क्लेवर और बहुत फ्यूचरिस्टिक थे, तो ये चाहते थे कि मैं अपनी इस प्रोग्रामिंग, जो मैं इस लैंग्वेज बना रहा हूं, इसका नाम छोटा और यूनिक रखूं। तो इसीलिए इन्होंने पाइथन को डिसाइड किया कि ये कुछ हटके है, सो इन्होंने हमेशा से हटके काम करने की कोशिश की है। तो इन्होंने इसलिए पाइथन नाम, इनको वो सीरियल पसंद था, और वहां पे पाइथन एक यूनिक सा नाम था, कैची सा नेम था, जबकि चीजों से बहुत अलग था, इसका प्रोग्रामिंग जैसा कुछ लेना देना लगता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि पाइथन इज बेस्ट, और इन्होंने फिर इस प्रोग्रामिंग का नाम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा था। तो दिस इज द हिस्ट्री, राइट। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैंने ग्यूडो वैन रॉसम के बारे में बताई, नीदरलैंड से इनका ताल्लुक है। और 1989 में, ये भी मैं बता दूं कि ये इनकी रिसर्च कैसे शुरू हुई, जनरली इनको क्रिसमस की छुट्टी मिली हुई थी 1989 में, और क्रिसमस की छुट्टियों में ये छुट्टियां में बर्बाद नहीं करना चाहते थे, ये चाहते थे मैं उसमें भी कुछ काम करता रहूं। तो ये वहां की जो लैब है, जो रिसर्च लैब है, CWI उसको कहते हैं, सेंट्रम विस्कंडे एंड इन्फॉर्मेटिका, उसके अंदर ये क्रिसमस की छुट्टियों को यूटिलाइज करना चाहते थे। 1989 की बात है, तब इन्होंने वो जो मैंने बताया एबीसी प्रोग्रामिंग जो थी, उसकी जो कमियां थी, उसको ठीक करके एक नई प्रोग्रामिंग बनाने की इन्होंने शुरुआत करी उन छुट्टियों के दिनों में। और ये काम इनका चलता रहा, इसमें काफी इंप्रूवमेंट ये करते रहे, लेकिन फाइनली इन्होंने ऑफिशियली जो इसको लॉन्च किया था, वो किया था ईयर 1991 में 20 फरवरी को। तो आप कह सकते हैं ऑफिशियल बर्थडे है ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो ये भी आप इसको कह सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही ये इवॉल्व हुआ है, या उससे ही कह सकते हैं मोटिवेट होके इन्होंने इसको बनाया था। तो इसका प्रेडेसर जो माना जाता है, यानी जिससे ये बनके आई, उसे हम एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो नॉन टेक्निकल लोगों को कंफ्यूजिंग लग रही हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स को सिस्टमैटिक वे में देखते जाइए, आपके वो सारे कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट स्क्रीनशॉट सिर्फ लेने से मतलब नहीं है, उसको बाद में कॉपी में लिखना भी है। Python software is maintained by PSF. बाद में ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि ग्यूडो वैन रॉसम ने, आज की जो Python programming language software आपको दिखता है, ऐसा नहीं है कि वो ग्यूडो वैन रॉसम ने अकेले बनाया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
आज की डेट में जो कंपोनेंट्स आपको पाइथन में नजर आते हैं, जो लाइब्रेरीज आपको नजर आती हैं, जो मॉड्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो सारी चीजें इन्होंने अकेले नहीं बनाई। अब इन्होंने मोटिवेट किया, इन्होंने बहुत सारी चीजें की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक शायर ने एक शेर कहा है, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कारवा बनता गया। तो यही इनके साथ हुआ, इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने शुरुआत करी, और शुरुआत करने के बाद क्या हुआ, इनके साथ लोग जुड़ते गए। इस ये जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन कहा जाता है, इस ये एक नॉन प्रॉफिटेबल है, यहां पे कोई पैसा नहीं लिया जाता। इसमें बहुत सारे लोग वॉलंटरली काम करते हैं और पाइथन के लिए डेवलपमेंट वाले जितने भी काम है वो यहां पे किए जाते हैं। इसको PSF कहते हैं। इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है www.python.org। इस पर आप पाइथन की हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाके। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, और ये इस पर जितना भी काम होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि इन्होंने दुनिया के लिए बड़ा बेहतर काम किया, पाइथन प्रोग्रामिंग आज हर जगह यूज की जा रही है, तो आप डोनेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली फ्री होता है, इसको कहीं से भी डाउनलोड करके सीखा जा सकता है। डेफिनेशन में थोड़ी देर पे आता हूं, पहले इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस से इसका नाम, उन्होंने मोटिवेट हुए, यहां से उन्होंने नाम लिया, तो ये कहानी मैंने यहां पर लिख दी। इसके दो वर्जन्स एट प्रेजेंट आपको मार्केट में मिलेंगे। वर्जन 2 जो है वो अब पुराना हो चुका है, जिसे आउटडेटेड वर्जन हमने लिखा है, और जो करंट वर्जन है वो वर्जन 3 है। एक्स का मतलब है यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि अभी जो लेटेस्ट है वो 3.11.2 है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है अगले 3 महीने बाद ये आपको 3.12 मिले, हो सकता है 3.13.1 मिले, माइट बी आपको इस तरीके के वर्जन मिल सकते हैं। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि मेजर वर्जन, ये मेजर होता है, ये माइनर होता है, जब तक कि ये चेंज ना हो जाए। तो आप इनमें नए नए वर्जन जो इनके अपडेटेड आते रहते हैं, 3.11 है, 3.12 आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कल को इनका एक नया वर्जन आता है पाइथन 4.x, यानी कि 4.1 या 4.2, तो फिर इसका मतलब कि ये एक नया एडवांसमेंट है पाइथन में, कुछ बहुत बड़ा मेजर चेंज हो गया है। तो अभी तक तो 4 नहीं आया है, और यहां पर एक बात याद रखने वाली है, ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसलिए भी अलग है क्योंकि इनका 3 वर्जन 2 के साथ कंपैटिबल नहीं है, या आप अदर लैंग्वेज में कहें तो इट डज नॉट सपोर्ट बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। ये एक टेक्निकल टर्म है, आप में से जो लोग नॉन टेक्निकल हैं, हो सकता है उनको इसे समझने में मुश्किल हो। आसान सी बात है दोस्तों, अगर नया वर्जन आया है और उसको लिखा है कि ये बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने वर्जन 3 पर कोई काम किया है तो वो वर्जन 2 पे प्रॉपरली काम नहीं करेगा या सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो पाइथन का जो वर्जन 3 है वो 2 को सपोर्ट नहीं करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज की डेट में 2 यूज नहीं किया जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां तक 2 की बात है, तो क्योंकि ये पहले जिन लोगों ने पाइथन 2 पे अपने वर्जन्स पे पाइथन, क्योंकि पहले तो 2 ही चल रहा था, तो जिन्होंने 2 पर अपने प्रोग्राम्स बनाए थे, अपनी वेबसाइट, अपनी एप्लीकेशंस बनाई थी, वो आज भी 2 पर ही चल रही है। क्यों? क्योंकि वो 3 के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो वो भी उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो मार्केट में दोनों तरह के आपको जो एप्लीकेशंस हैं 2 पे बने हुए और वर्जन 3 पे बने हुए आपको मिल जाएंगे। लेकिन इंडस्ट्री में आज की डेट में जो सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया जाता है, सबसे ज्यादा जो वर्जन यूज किया जाता है, नो डाउट वो लेटेस्ट यानी कि 3 वर्जन ही यूज किया जाता है। इसका माइनर वर्जन कुछ भी हो सकता है, लेटेस्ट जैसे कि अभी की बात करूं तो 3.11.2 ये इसका वर्जन है जो अभी करंट में चल रहा है, बट ये चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, 11 की जगह 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, माइट बी। अगर ये मेजर वर्जन ही चेंज हो गया, इसका मतलब फिर ये है कि कोई बड़ा चेंज आया, काफी सारे चेंजेस पाइथन में हो गए और फिर वो पुराने के साथ कंपैटिबल नहीं होगा। और फ्यूचर में आई डोंट नो, हो सकता है कि 4 वर्जन जो आए वो 3 के साथ कंपैटिबल हो, माइट बी, क्योंकि अब बहुत सारी एप्लीकेशंस, इवन गूगल और फेसबुक भी पाइथन को यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो नया वर्जन आए उसमें कंपैटिबिलिटी दे दी जाए। तो फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। पाइथन इज रिकमेंडेड एज फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगनर्स। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप में से जिन भी लोगों को ये लग रहा है कि क्या मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के लिए पहले से सी लैंग्वेज का आना जरूरी है, C++ का या जावा का या XYZ किसी चीज का आना जरूरी है, तो बिल्कुल
बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं आप, आप डायरेक्ट इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, आपको पहले किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज लैंग्वेज को सीखने की जरूरत नहीं है, इवन बाद में भी सीखने की जरूरत नहीं है। अब इसको मैं आपको बड़ी आसान भाषा में बताता हूं। देखिए, एक बच्चा जो है ना, जो एक बच्चा है वो जब पैदा होता है, वो जिस मुल्क में पैदा होता है वहां की जबान वो वैसे ही सीख जाता है, भले ही आप उसे स्कूल में भेजें ना भेजें। अगर वो हिंदुस्तान में पैदा होगा, वो अगर नॉर्थ इंडिया में पैदा होगा तो वो हिंदी बाय बर्थ बोलेगा, अगर वो केरला में पैदा होगा तो वो वहां की लैंग्वेज को बोलेगा, अगर वो मणिपुर में पैदा होगा तो वो वहां की बोलेगा। इट डिपेंड्स कि वो किस रीजन में है, अगर वो बंगाल में होगा तो वो बंगाली बचपन से ही सीख जाएगा, है ना। तो ये बाय बर्थ है, यानी उसके लिए बंगाली सीखने के लिए हिंदी का आना जरूरी नहीं है, हिंदी को सीखने के लिए इंग्लिश का आना जरूरी नहीं है। सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो लैंग्वेज ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। ऐसे ही पाइथन एक लैंग्वेज है और एक फर्स्ट लैंग्वेज है। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब है इसको सीखने के लिए पहले किसी और लैंग्वेज का आना जरूरी नहीं है। तो पाइथन से शुरुआत करें आज। अब आप कहेंगे सर क्या पाइथन जो है वो जावा को रिप्लेस कर देगा, या क्या हमें सी सी प्लस प्लस जो है फिर वो काम का नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, हर इंसान की अपनी अहमियत है, हर लैंग्वेज की अपनी अहमियत है, लेकिन अगर आपने पाइथन सीख ली तो आपको बाकी लैंग्वेजेस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे काम जो बाकी लैंग्वेजेस में होते थे वो आज पाइथन में होते हैं। तो नो नीड टू वरी, आप पाइथन में ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप पाइथन में वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप पाइथन में जितने भी प्रोग्राम्स है, जितने भी कंसोल है, डैशबोर्ड है, एवरीथिंग यू कैन डिजाइन। तो पाइथन में सब कुछ हो सकता है। तो ये एक लैंग्वेज आज की डेट में, यही वजह है कि पाइथन बाकी सारी लैंग्वेजेस से बहुत ऊपर निकल चुकी है और हर कोई पाइथन सीखना चाहता है। आपको चाहे डेटा साइंस में एंटर करना है, मशीन लर्निंग में एंटर करना है, सब यही कहते हैं कि पाइथन आनी चाहिए। तो पाइथन आ जाएगी क्योंकि वो टेक्निकल गुफ्तगू पे आ चुकी है, ये गारंटी है मेरी, ठीक है, नो नीड टू वरी। अब चले मैं आता हूं सीधा बुनियादी डेफिनेशन पे। पाइथन इज वन ऑफ द जनरल पर्पस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चार अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस, सेकंड वन इज हाई लेवल, थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फोर्थ वन इज इंटरप्रेटेड। इन दोनों की बातें थोड़ी सी बाद में करूंगा, कुछ आने वाले लेक्चर्स में करूंगा, बिकॉज इनके लिए कुछ चीजों का समझना जरूरी है। लेकिन जनरल पर्पस का मतलब है हर जगह ओमनी प्रेजेंट। पाइथन के बारे में कहा जाता है पाइथन इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर सॉफ्टवेयर, हर वेबसाइट पे आज की डेट में पाइथन का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो रहा है। फिर चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, कहीं भी है, पाइथन कहीं ना कहीं उनके किसी ना किसी कंपोनेंट के लिए यूज किया जा रहा है। तो पाइथन इज जनरल पर्पस, मतलब इससे सारे जनरल पर्पस काम हो सकते हैं, हर जगह काम हो सकते हैं, इसीलिए इसको आप जनरल पर्पस लैंग्वेज कहा जाता है। जनरल पर्पस मतलब जो हर किसी के पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सके। हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है इंसान जिस भाषा को समझ सके, कुछ ऐसी लैंग्वेज। पाइथन इसीलिए इतनी ज्यादा अडॉप्ट की गई है, पूरी दुनिया में मशहूर है और हर कोई इसको सीखना चाहता है, क्योंकि इसमें सिंटेक्स इतना ज्यादा हैवी नहीं है। अगर एक प्रोग्राम जावा में आपको प्रिंट कराना है तो शायद 5 से 10 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, लेकिन पाइथन में एक लाइन में काम हो जाता है। पाइथन हाई लेवल कहने का मतलब है, अगर यहां पे हमने हाई लेवल लिखा है, कि ह्यूमन रीडेबल है, इंसान इजी से उसको पढ़ के समझ सकता है कि यह क्या कहना चाह रहा है। बात समझ आ रही है, हाई लेवल का मतलब ये होता है। लो लेवल होती है जो मशीन समझता है, हाई लेवल होता है जो इंसान समझ सकता है। तो पाइथन अगेन इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज, और इसका डेवलपर जो गुडो वैन रॉसम है, उनका पर्पस ही ये था, वो एक ऐसी लैंग्वेज बनाना चाहते थे जिसे कोई भी बंदा इजीली सीख सके, इजीली, कोई भी बिना किसी प्रायर नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के वो इस लैंग्वेज पर काम कर सके। उनका पर्पस यही था और आज तक इसके डेवलपर इसको इजीएस्ट ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इट्स अ हाई लेवल मींस ह्यूमन रीडेबल, आप इजीली इसके सिंटैक्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्या बात कह रहा है। तो यहां पर आपको अभी से डरने की जरूरत नहीं है कि पाइथन शायद बहुत टफ चीज है, मैं गारंटी दे रहा हूं, जहां आपने मेरे 10 से 20 लेक्चर पढ़ लिए इसके, आप खुद कहोगे कि यार पाइथन इतना इजी था, मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा, राइट? डिपेंड करता है कि आपने कहां से पढ़ा है या आप क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत ब्यूटीफुल कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, बट सिस्टमैटिक नहीं है।
वो सिस्टमैटिक नहीं है। मैंने भी ये लेक्चर्स प्रिपेयर करने से पहले कुछ रिसर्च करी कि ऑलरेडी उन्होंने किस तरह का कंटेंट डाला है, तो मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े नामी गरामी यूट्यूबर्स ने भी जो कंटेंट डाला है वो करके तो दिखा रहे हैं, बट वो ये नहीं बता रहे कि वो कर क्या रहे हैं, बैक एंड पे कौन सा डेटा टाइप कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसकी एक्सेप्शन है क्या नहीं है, वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जस्ट शो करके दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है हाँ आप भी घर पर परफॉर्म कर रहे हो, आपका भी हो रहा है, आपको लग रहा है मुझे आ गया, बट You should know the basics. You should know कि भाई ये जो काम हुआ ये इसका पर्पस क्या है, ये क्यों हुआ और इसके इफ एंड बट क्या है। जब तक वो नहीं पता होंगे आप इंटरव्यू में जाके उसको आंसर नहीं कर पाओगे, वो आपको अटका देगा। तो मैं वो सारे सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा जिससे कि इंटरव्यू में आप 110% बेस्ट परफॉर्म कर सके। पर्पस इस जो ट्यूटोरियल है इसका ये है, ना सिर्फ पाइथन सिखाना बल्कि इंडस्ट्री लेवल पाइथन सिखाना, जहां इंडस्ट्री में जितने सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप उनका जवाब दे सकें। तो मेरे आने वाले ट्यूटोरियल जहां मैं लैब कराऊंगा, आप देखेंगे कि बार बार मैं ये बात कहूंगा कि इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा, इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो वो मैं लैब में परफॉर्म करते हुए आपको वन बाय वन दिखाता हुआ चलूंगा। तो आई होप आप भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे यहां तक का लेक्चर सुनने के बाद। तो आई होप दोस्तों ये एक लेक्चर जो है और जो बुनियाद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसके अगले लेक्चर्स में आपको सिस्टमैटिक वे में पहले इसके बेसिक्स पढ़ाऊंगा, क्या फीचर्स है वो पढ़ाऊंगा, क्या इसकी आप फीचर्स को भी प्रॉपर डिस्कस करूंगा कि भाई कैसे इस फीचर का क्या मतलब है। ये नहीं कि इजी टू लर्न है तो क्यों है इजी टू लर्न, पूरा लॉजिकली आपको हर चीज का आंसर दूंगा कि ये क्यों है और इसका क्या मतलब है। तो अगले वीडियो का इंतजार करें और वहां पे मैं आपको ये सारी बातें अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो ये कितनी लंबी सीरीज होगी मुझे नहीं पता। इसके साथ एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, काफी सारे लोग मुझसे गुजारिश कर रहे हैं और शायद उन्हें शिकायत भी होगी कि आपने पाइथन शुरू कर दिया बट टेराफॉर्म बीच में छोड़ दिया। आई एग्रीड कि टेराफॉर्म बीच में ड्रॉप हो गया है, तीन ही वीडियोज वहां पे अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी दो तीन वजह हो गई है, जिसमें से एक वजह यह है कि मेरी तबीयत काफी टाइम से मैं बैक पेन से, क्योंकि लगातार सिस्टम पे जो मेरे काम होते हैं करने की वजह से मैं एक काइंड ऑफ सर्वाइकल प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, और जिस वजह से मैं अभी कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले पा रहा हूँ, काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए काफी टाइम के बाद ये प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट करी है। काफी सारे लोगों को पाइथन की जरूरत थी तो अनफॉर्चुनेटली मुझे टेराफॉर्म को स्टॉप करके इस पे आना पड़ा, ताकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की डेट में मेरे स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा वरीड रहता हूँ जो मुझसे यूट्यूब से पढ़ते हैं, कि उनको क्लाउड आता है, उनको डेवऑप्स की बुनियादी नॉलेज हो गई है, उनको सारी नॉलेज है, बट वो मुझे बताते हैं सर प्रोग्रामिंग नहीं आती, और इंटरव्यू में प्रोग्रामिंग के लिए हमसे पूछते हैं पाइथन आती है, हम मना करना पड़ता है। तो फिर फाइनली मुझे यह स्टेप लेना पड़ा कि मैं ऑल्दो पाइथन जो है मैं इसके बैचेज नहीं लेता या मैं नहीं पढ़ाता, बट यस ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र राजपूत करा नहीं सकता, तो वो मैं आपको प्रूफ ही करके दिखा दूंगा कि मैं कैसा करा रहा हूं और क्या करा रहा हूं। नो नीड टू वरी, बट ये है कि हाँ आपकी जरूरत जब मुझे महसूस हुई तो मैंने कहा ठीक है ये चैलेंज लेते हैं, पाइथन आपको सिखाएंगे, तो ये मैंने शुरू किया है। एंड आई होप आप लोगों का साथ अगर मुझे मिलेगा तो मेरा भी वही वाली बात होगी कि मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिर, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। तो इस प्लेलिस्ट को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शाउट आउट करिएगा कि नाउ पाइथन प्रोग्रामिंग इज अवेलेबल ऑन टेक्निकल गुफ्तगू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना ज्यादा शाउट आउट कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर मेरा ये वीडियो शेयर करिए, लिंक्डइन के ऊपर शेयर करिए, ट्विटर पे करिए, टैग करिए मुझे #technicalguftagoo #bhupinderrajput, और चलिए बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। और दोस्तों गजल में आज आपको सुनाना चाहूंगा राणा सईद दोषी साहब की, जो बड़ी मुझे बड़ी पसंद आई और बड़ी पॉपुलर भी है, इनकी बड़ी वायरल गजल है, और ये मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि कहां किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, कहां किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं गम शनाज मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर इसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा, मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मैं दोस्तों की हिरासत में मारा जाऊंगा, मैं चुप रहा तो मार देगा मेरा जमीर, मैं चुप रहा तो मार देगा मुझे मेरा जमीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा, हिस्सस में बांट रहे हैं मुझे मेरे अहबाब, हिस्सस में बांट रहे हैं मुझे मेरे अहबाब, मैं कारोबार शिराकत में मारा जाऊंगा, नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया,
नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। तो ये राणा सईद साहब की गजल है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड आई होप प्लेलिस्ट भी अच्छी लगेगी आपको। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।